आगे बढ़ेंगे तो मसूरी में नगर पालिका का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। जिस जगह पर पार्किंग बननी थी वहां पर आवास बनाए जा रहे हैं और ये सब अधिकारियों के सामने हो रहा है मगर सब खामोश है। मसूरी में इस पार्किंग के निर्माण का काम पूरा होने से पहले ही विवाद होने लगा है। आरोप है कि पार्किंग की जगह पर आवास बनाए जा रहे हैं। जिस जगह पर पार्किंग बननी थी वहां कई मंजिला इमारत खड़ी हो गई। शुरुआत में लगा इस इमारत में पार्किंग बनेगी लेकिन देखते ही देखते नगर पालिका ने पार्किंग को आवास में तब्दील कर दिया और आप अब देख सकते हैं कि इस पार्किंग का डिजाइन एक आवासीय भवन में कर दिया गया है और ये पुरानी पीली बिल्डिंग इसको बोलते हैं डिमरी निवास, जो आप मेरे इधर की तरफ देख सकते हैं कि ये डिमरी निवास है जो मजदूरों के लिए कई साल पहले यहाँ पर बनाई गई थी और वर्तमान में जो पालिका प्रशासन द्वारा ये पार्किंग के नाम पर आवास बनाए जा रहे हैं। पार्किंग के टॉप फ्लोर पर 14 दुकानों का निर्माण कराया गया है जिसे अवैध बताया जा रहा। आज तो इसका स्वरूप ही खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे आप वहाँ पर फ्लैट्स बना रहे हैं, आप उनको बेचना चाहते हैं, इसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जो उसका प्रारूप था हमारे टाइम पे, वो प्रारूप का तो कहीं पता ही नहीं है। ये तो पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया आज उसका पार्किंग के नाम पे, जो पैसे की जो बंदरबांट हुई है। उसका उद्देश्य बहुउद्देश्य था क्योंकि टैक्सी स्टैंड को भी पीछे जाना था, पार्किंग की सुविधा भी होनी थी, पर्यटकों को भी उसका लाभ मिलना था। ये दुर्भाग्यवश उसका कहीं वो पार्किंग का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा। इस जगह पर इतनी बड़ी इमारत बनना सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं, जिस पर खुद भाजपा के मंडल अध्यक्ष सवाल उठा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि घोषणा की थी तो पार्किंग की थी, वो अचानक रातों रात कैसे आवास में तब्दील होगी, ये भी एक सवाल है। दूसरा, जिस तरह से वहाँ पर यदि मान लीजिए कि आवास भी हैं तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह के वहाँ पर आवास बनाए जा रहे हैं और उसके ऊपर दुकानें बनाई जा रही हैं उसकी कहीं भी जो है वो रिस्की है। हैरानी हो रही कि जिस जगह पार्किंग बननी थी उस जगह का नक्शा ही बदल दिया गया। नगर पालिका के अधिकारियों के रवैये से मिली भगत की बू आ रही। मुझे पता लगा है उसमें ये है कि करीब 60 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग बन रही है, क्योंकि ये नीचे से 3 मंजिल उठाया गया है तो इसमें इनके अफोर्डेबल हाउस बनाने का है जो आवंटन के जरिए फिर उनको दिए जाएंगे लाभार्थियों को। बाकी ये कब से बन रहा है और क्या इसमें प्रपोज था ये अभी डिटेल जानकारी मैं पता करूँगा। इस बारे में जब डीएम से सवाल किया गया तो वो मुआयना करने की बात कहने लगी। मैंने अपनी टीम को कहा है कि एक बार जाके उसका निरीक्षण कर ले कि क्या इश्यूज हैं जो आपके द्वारा भी बताए गए। अब सवाल ये उठ रहा कि आखिरकार इस पार्किंग को लेकर प्रशासनिक अमला क्यों खामोश है। एक तरफ मसूरी में ही शिफन कोर्ट से लोगों को अवैध कब्जा बताकर उजाड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस अवैध निर्माण पर इतनी मेहरबानी क्यों। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हल्द्वानी की। यहाँ गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले वाहन मालिकों ने प्रदर्शन किया है। इन्होंने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इनकी मांग है कि एक राज्य में एक रॉयल्टी होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।